राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी हितेश पंड्या ने अपने बेटे के प्रधानमंत्री कार्यालय की एक नकली आधिकारिक टीम का हिस्सा होने के बड़े विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया है। हितेश पंड्या के बेटे अमित पंड्या पर आरोप है कि उसने ठग किरण भाई पटेल के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा तंत्र को बरगलाकर जेट प्लस सुरक्षा 5 सितारा होटल में आधिकारिक आवास के साथ और भी बहुत से लाभ लिए हैं। आपको बता दें कि हितेश पंड्या 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने कल देर शाम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने त्याग पत्र में हितेश पंड्या ने कथित तौर पर कहा कि वह नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री कार्यालय और गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय की छवि धूमिल हो, भले ही उनका बेटा निर्दोष है। हितेश पंड्या ने इस्तीफे पत्र पर कहा, मेरा बेटा निर्दोष है, हालांकि मैं नहीं चाहता कि सीएमओ और पीएमओ की छवि खराब हो और इसलिए मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। गुजरात भाजपा ने कथित तौर पर अमित पंड्या को पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से निलंबित कर दिया है। वो गुजरात में उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी के सोशल मीडिया विभाग का प्रभारी था। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने नकली पीएमओ टीम मामले में आरोपी के रूप में अमित पंड्या का नाम नहीं लिया है। इसके बजाय अमित और उसके गुजराती साथी जय सीतापारा को मामले में गवाह बनाया गया है। पीएमओ के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में 4 महीने से अधिक समय तक आधिकारिक प्रोटोकॉल का आनंद लेने के बाद ठग किरण भाई पटेल को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अमित और जय सीतापारा को पुलिस ने छोड़ दिया था। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।